हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की वीडियो जो है ये बेबी स्वेटर की नंबर 4 पर जाएगी, 4 नंबर पर। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बैक पार्ट बताया है, सेकंड वीडियो में आपको बताया है मैंने फ्रंट पार्ट और इसकी कटिंग बताई है, गला बताया है किस तरह से घटाना है, और थर्ड पार्ट में तीसरे नंबर पर ये बाजू इसकी बताई है मैंने किस तरह से बनानी है। तो बाजू को मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब देखिए इसका जो है गला बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा हमारा गला। जो बैक पार्ट के फंदे बचे हैं हमारे, वो सारे फंदे हैं जो भी बचे हैं हमारे, जितने डाले थे उसके बाद जो है कटिंग में गए हैं हमारे साइड में, और ये ज्वाइंट हुए हैं। उसके बाद जो बचे हैं सभी फंदों को मैं रख लूँगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने फंदे उठाने हैं उतने ही यहाँ से उठाने हैं। तो अगर कॉलर बनाना हो तो आपने, ये सीधी साइड है तो यहाँ से स्टार्ट करना है फंदों को उठाना। अगर कॉलर बनानी है तो पट्टी बनाऊंगी मैं, तो इसके लिए मैंने ये ली है 12 नंबर की सिलाई। तो यहाँ से फंदे जो हैं उठाऊंगी मैं इस तरह से, पास पास में फंदे उठाने हैं। एक उठा लिया, अब इसके नेक्स्ट जो है यहाँ से उठाऊंगी, उसके नेक्स्ट में ये देखिए, ये जो इस तरह से दिख रही है आपको, ये सीधे सीधे फंदों की, यहाँ से एक एक फंदा उठाना है। अगर आपको कहीं गैप दिखता है तो आप वहाँ एक और फंदा भी उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ तक उठा लेती हूँ इसी तरह से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने उठा लिए हैं फंदे। अब ये जो फंदे बचे हैं हमारे बैक पार्ट के, जितने भी फंदे हैं, इन्हें भी इसी तरह से बना लेना है इसके साथ में। सुई की नोक जो है मैं इस साइड को कर लूंगी, तभी बुने जाएंगे हमारे ये फंदे सारे। तो 26 फंदे होंगे ये जो बैक पार्ट में है, क्योंकि 70 फंदे डाले थे तो हमारे 16 16 फंदे जो हैं तीरे में चले गए, 32, और 12 फंदे हमारे शोल्डर के चले गए। माइनस करेंगे उन्हें तो जो भी बचते हैं 26 बचेंगे, और एक एक फंदा हमारा इस साइड का है जो कि तीरे के लास्ट में जब सिला है, ज्वाइंट किए हैं वो वाला, दोनों साइड का। ये देखिए ये फंदा जो एक बचा था वो वाला है। तो ये 28 फंदे हैं, 28 फंदे हैं बैक के हमारे, 26 फंदे हैं और एक एक इस साइड का बता दिए मैंने। अब इनको सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा ज्वाइंट होता है उसके बाद हल्का सा गैप दिखता है, तो यहाँ पर आपने फंदा उठा लेना है इस तरह से। मैंने एक उठा लिया, आप दो भी उठा सकते हैं। बाकी के फंदे सीधे ही बना लूंगी।
ये देखिए यहाँ पर भी गैप है हमारा, तो यहाँ पर भी एक फंदा उठा लूँगी और इस फंदे को भी बना लूँगी। तो हमारे यहाँ पर 30 फंदे हो गए हैं। फंदे यहाँ पर उठा लूँगी। यहाँ तक तो ये देखिए मैंने फंदे जो उठा लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारे 26 फंदे उठे हैं और बीच के जो फंदे हैं वो भी 26 हैं। साइड में एक एक फंदा हमारा था तो दो फंदे एक्स्ट्रा हो गए, एक एक फंदा और उठाया तो चार फंदे हो गए और 26 फंदे जो हैं इस साइड हैं। इतने फंदे ठीक हैं इतने साइज के लिए। अब दोनों साइड से सीधा सीधा ही मैं बना लूंगी। पहला फंदा उतारा और सभी फंदों को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लूंगी। लास्ट का फंदा उल्टा बना लूंगी ताकि हमारा इस तरह से एज जो है स्मूथ बने। अब सीधी साइड फिर से पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुना और यहाँ पर एक बटन होल भी रखूंगी। तो यहाँ पर ये तीन फंदे हो गए। इस तरह से पहला उतारा, दो बुने, धागा अपनी साइड किया, जाली डालते हुए दो का एक किया, तो हमारा यहाँ पर बटन होल बन गया। बाकी के फंदे सीधे बना लूंगी। दोनों साइड से सीधा बुनते जाएंगे अब, और मैं बना लेती हूँ 1.25 इंच के करीब, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना बना लिया है। यहाँ पर हमारे ये बटन होल भी बन गए हैं और ये जो उल्टी उल्टी लाइनें आपको दिख रही हैं 1 2 3 4 5, तो पांच लाइनें इस तरह से आपको दिखनी चाहिए सीधी साइड से, और उल्टी साइड में भी पांच ही हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर चार हैं उल्टी साइड में, चार और सीधी में पांच, तो इतना काफी है। अब बाइंड ओक कर देंगे इन फंदों को। पहला फंदा उतारा, नेक्स्ट बुना और इस फंदे को गिरा देंगे दूसरे फंदे पर। फिर से देखिए नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, पिछले फंदे को इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे। ये देखें इस तरह से हमारे फंदे जो हैं बाइंड ऑफ हो जाएंगे। ना ज़्यादा टाइट रखना है फंदों को और ना ही ज़्यादा लूज रखना है। ये देखें इस तरह से हमारे फंदे बंद हो जाएंगे। तो लास्ट कर लेती हूँ बाइंड ऑफ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका जो गला है वो बन चुका है, इस तरह से राउंड में आया है, बहुत ही प्यारा सा बना है ये। यहाँ पर हमारा बटन लगेगा, 1 2 और ये 3 इस साइड लगेंगे बटन। तो हमारा गला जो है इस तरह से बन के आएगा। सभी फंदों को मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है और इस साइड से फंदा जो है एक बचा था उसका धागा जो है यहाँ पर बीच में से निकाल के यहाँ तक मैंने क्रोसिए के साथ कर लिए है ताकि यहाँ पर दिखे ना सफाई से हमारा ये हो। तो देखेंगे आप गला जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ आया है। अब यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इस तरह से लगाऊंगी मैं ताकि हमारा स्वेटर जो है फैंसी दिखे। एक इस साइड लगाऊंगी और एक इस साइड। तो कैसे बनाना है इसे देखिए, यहाँ पर ये रेड वूल से बनाऊंगी। तो तीन फंदे डालने हैं स्टार्टिंग में सिंगल धागे के साथ इस तरह से। ये देखिए तीन फंदे डाल लिए। यहाँ पर नोट लगा लेंगे और
ये तीन डाले फंदे, ये सीधी साइड है, ये उल्टी रहेगी, ये नोट दिख रही है, ये उल्टी रहेगी। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा ही बनाना है, जितनी भी हमारी रो बनेगी इन तीनों फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। सीधी साइड, अब तीन फंदों के पांच करने हैं, एक फंदा इस साइड बढ़ाना है, एक इस साइड। तो देखिए पहला फंदा तो उतार लेंगे और यहां से उठाएंगे और उल्टा बुनेंगे, बीच का फंदा भी उल्टा रहेगा। तो हमारा एक फंदा यहाँ पर बढ़ा, एक इस साइड बढ़ाना है। इस तरह से एक लूप उठा लेंगे और इसे भी उल्टा बना लेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पर तीन फंदों के पांच हो गए हैं, अब उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे। सीधी साइड पहला फंदा उतारा, अब एक फंदा यहाँ पर उल्टा बनाना है। अब यहाँ से एक ये फंदा उठाना है और इसे उल्टा बनाना है। एक फंदा यहाँ बढ़ गया, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे और इस साइड यहाँ से उठाएंगे और इसे उल्टा बना लेंगे। लास्ट में दो फंदे बचते हैं, एक उल्टा और एच स्टिच जो है इसे सीधा बना लेंगे, उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर देखिए सात फंदे हो गए हैं। स्टार्टिंग में एक के बाद बढ़ाया था फंदा और उसके बाद दो फंदों को बनाने के बाद बढ़ाना है। दोनों साइड दो दो फंदे रहने चाहिए तब बढ़ाना है। इस तरह से सीधी साइड आ गई, पहला फंदा उतारेंगे, एक उल्टा बुना तो यहाँ पर दो हो गए। अब फंदा जो है यहाँ से उठाएंगे और उल्टा बना लेंगे, बीच के फंदे उल्टे रहेंगे। लास्ट में भी दो फंदे से पहले यहाँ से उठाएंगे एक लूप और यहाँ पर उल्टा बनाकर ये एक फंदा जो एच स्टिच है इसे सीधा बना लेंगे। तो अब हमारे नौ फंदे हो गए हैं। दो फंदे के बाद बढ़ाना है, यहाँ दो से पहले बढ़ाना है। तो ये मैं बना लेती हूँ 23 फंदे तक। हर सीधी रो में बढ़ाना है, उल्टी रो उल्टी ही बनानी। ये देखिए मैंने बना लिया है इतना, दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाया है। तो यहाँ पर 23 फंदे हो गए हैं, 23। तीन से स्टार्ट किया था, 23 फंदे हो चुके हैं। अब इन फंदों को बंद कर देंगे, तो दो को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ इस तरह से। फिर नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, पिछले फंदे को इसके ऊपर गिरा देंगे इस तरह से। ऐसे दो का एक करते जाएंगे। ये देखिए मैंने बना लिए हैं इस तरह से, और एक ही सेध में इन्हें इस तरह से लगाना है। यहां से यहां तक स्टिच कर लूंगी और यहां से यहां तक स्टिच कर लूंगी, बाकी का ये खुला ही रखूंगी। यहां पर बटन लगा दूंगी बीच में। तो ये देखिए गला भी बनके कंप्लीट हो चुका है और यहां पर मैंने ये बटन भी लगा लिए हैं। तीन बटन यहाँ पर लगे हैं, तीन बटन होल किए थे और दो बटन यहाँ पर पॉकेट के ऊपर लगाए हैं। ये पॉकेट जो है यहाँ पर ज्वाइंट कर ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइंट की है, यहाँ से ओपन ही है। तो लास्ट में यहाँ पर जो धागा बचा था जब यहाँ से फंदे डाले थे उसके साथ मैंने यहाँ से सिल लिया है। एक टांग का जो है दोनों साइड लगा लिया, साइड में से खुली ही है। देखिए बहुत ही प्यारी बन के आई है स्वेटर। तो जरूर ट्राई करें, वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। पास में घंटी का बटन है, जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।